आप सभी का स्वागत है वीएस क्लासेस में। मैं हूँ वर्षा सिंह और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रीबायोटिक्स एंड प्रोबायोटिक्स के बारे में। तो आपने इसके पहले भी प्रोबायोटिक्स का नाम सुना होगा कि ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो कैसे ये अच्छा होता है और इसमें कौन कौन से फूड्स आते हैं, हमें कौन कौन से फूड्स खाने चाहिए जो हमारी हेल्थ के लिए सही रहे, मतलब जो प्रोबायोटिक्स होते हैं, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। इसमें आप इनके सोर्सेस और कौन कौन सी डिसीज से हम बच सकते हैं और कौन हमारी बॉडी में किस तरह से ये हमें फ़ायदा पहुंचाता है, हमारे लिए हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं, वो हम जानेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम प्रोबायोटिक्स के बारे में पढ़ेंगे, देन उसके बाद में हम प्रीबायोटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है प्रोबायोटिक, जो वर्ड है प्रोबायोटिक वर्ड कहाँ से आया है, तो ये ग्रीक लैंग्वेज से आया है। और ग्रीक है जो प्रो, इसका जो प्रो होता है, प्रो मतलब होता है प्रमोटिंग, जो प्रमोट करे, और बायोटिक मतलब होता है लाइफ, मतलब इसका क्या हो गया, जो लाइफ को प्रमोट करे वो प्रोबायोटिक्स होते हैं। जो प्रोबायोटिक्स होते हैं इसकी डिस्कवरी जो है 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में हुई थी। और जो प्रोबायोटिक्स के पिता जिसको कहा जाता है या फिर फादर ऑफ प्रोबायोटिक कहा जाता है, किनको कहा जाता है, वो है एली मेसनिकॉफ। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं, तो जो प्रोबायोटिक्स होते हैं ये लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब जीवित माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। एक आपने नाम सुना होगा जनरली माइक्रो ऑर्गेनिज्म से दिमाग में आता है कि जो हार्मफुल होंगे, लेकिन जो ये प्रोबायोटिक्स होते हैं ये लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं हमारे लिए, ठीक है। तो इसके अंतर्गत माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो प्रोबायोटिक्स होते हैं उसमें बैक्टीरिया आते हैं और ईस्ट आते हैं, लेकिन कुछ ही आते हैं, सभी नहीं आते हैं, ठीक है। ये जो प्रोबायोटिक्स होते हैं ये बहुत सारी बीमारियों से हमें प्रिवेंट करते हैं, और ट्रीट भी करते हैं उन बीमारियों को। और साथ ही साथ ये हमारे जो हेल्दी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बनाने के लिए और इम्यून सिस्टम को हेल्दी बनाए रखने के लिए हेल्पफुल होते हैं। अब इनके और कौन कौन से नाम होते हैं, इनको और क्या क्या कहा जाता है प्रोबायोटिक्स को, तो प्रोबायोटिक्स को फ्रेंडली, गुड और हेल्दी बैक्टीरिया के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ प्रोबायोटिक्स, ये कितने प्रकार के होते हैं, हमने अभी पढ़ा कि जो प्रोबायोटिक्स होते हैं उसमें बैक्टीरिया और ईस्ट आते हैं। तो जो बैक्टीरिया होते हैं इसमें जनरली दो होते हैं, एक तो होता है लैक्टोबैसिलस और होता है बाइफिडोबैक्टीरियम। इसके अलावा और भी होते हैं, हम जितना पढ़ते जाएंगे हमें उतने इनके नाम मिलते जाएंगे कि ये भी प्रोबायोटिक की प्रॉपर्टीज़ रखते हैं। तो हमें जनरली इतना डीप में नहीं जाना है, हम सिर्फ लैक्टोबैसिलस और बाइफिडोबैक्टीरियम के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा यदि और नाम भी आप जानना चाहते हैं तो एंटेरोकोकस, पेडियोकोकस एंड बैसिलस, इसके अलावा भी और भी बैक्टीरिया हैं जो प्रोबायोटिक की प्रॉपर्टीज़ रखते हैं। इसके अलावा एक जो ईस्ट है उसका नाम है सैकेरोमाइसिस बोलार्डी, ये भी प्रोबायोटिक होता है। इसके बाद हम इसमें और डिटेल में हम जानते हैं इसके टाइप्स में। तो ये अभी हमने देखा प्रोबायोटिक, ये तीन हमने देखे कि लैक्टोबैसिलस है, बाइफिडोबैक्टीरियम है और सैकेरोमाइसिस बोलार्डी जो कि ईस्ट है। अब इसके अंतर्गत भी ये स्पीसीज हैं जो लैक्टोबैसिलस की हैं, ये है एल मतलब कि लैक्टोबैसिलस से है, या इसका मतलब लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, लैक्टोबैसिलस रेनोसस और एल कैसे और एल प्लांटेरम, एल रीउटेरी। और इसके बाद जो बाइफिडोबैक्टीरियम के हैं ये बी से स्टार्ट होंगे, बी मतलब कि बाइफिडोबैक्टीरियम, तो बी फॉर बी ब्रेव और ब्रेवे और बी लैक्टिस, बी लॉन्गम और बी बाइफिडम। और इसमें जो है ये इम्पॉर्टेंट है, जनरली यही सुनने में आता है, तो हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, एसिडोफिलस के बारे में और बाइफिडम के बारे में। और फिर ये तो ईस्ट हो गया, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें भी जो ये बैक्टीरिया हैं ये जीनम होते हैं,
ये इनकी स्पीसीज होती है, प्लस इसके बाद भी स्ट्रेंथ्स होते हैं। तो इस जितने अंदर हम जाते जाएंगे डीप में, हमें और भी इनके और मिलते जाएंगे कि इसके कौन कौन से स्ट्रेंथ्स जो होते हैं प्रोबायोटिक की प्रॉपर्टीज़ रखते हैं। तो जो प्रोबायोटिक एक छोटा टॉपिक नहीं है, बहुत बड़ा टॉपिक है। उसके अंतर्गत भी एक एक जो बैक्टीरिया है या फिर प्रोबायोटिक है, इसके ऊपर रिसर्च की जा सकती है, थीसिस लिखी जा सकती है, बोले तो एक मोटिव बुक को भी लिखा जा सकता। तो ये हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, हमारे लिए इतना ज़रूरी है पढ़ना, हम सिर्फ उतना पढ़ेंगे। तो इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं लैक्टोबैसिलस के बारे में। तो जो लैक्टोबैसिलस होता है, ये एनएरोबिक बैक्टीरिया होता है और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है। और ये किस तरह से काम करता है हमारी बॉडी में, या फिर हमारे लिए कैसे ये फ़ायदेमंद होता है? तो जो ये है, ये लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है, साथ ही साथ थोड़ी अमाउंट में ये एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड को भी प्रोड्यूस करता है। इससे क्या होता है कि जो पीएच होता है, पीएच ड्रॉप हो जाता है। पीएच ड्रॉप मतलब कि एसिड बढ़ रहा है, मतलब कि पीएच जो है 7 के नीचे एसिड वाला एरिया आ जाता है, मतलब एसिडिक फॉर्म हो जाता है। तो एसिड बढ़ रहा मतलब कि पीएच डाउन हो रहा है। तो इससे क्या होगा, जो पॉइजनस एसिड सेंसिटिव बैक्टीरिया हैं, जो हमारे लिए हार्मफुल हैं, ऐसे बैक्टीरिया उनकी ग्रोथ को ये नहीं होने देता। तो एक तो ये तरीका है, एक ये दूसरा तरीका ये क्या करता है, ये हमारी जो इंटेस्टाइनल जो ल्यूमन होती है, जैसे ये है, ठीक है, अब यहाँ पे अपनी ये कॉलोनीज बना के रहते हैं। कौन रहते हैं? ये लैक्टोबैसिलस, अच्छे जो बैक्टीरिया हैं हमारी बॉडी के लिए, ये कॉलोनीज बना के रहते हैं। अब यहाँ पे ये हमारे लिए तो अच्छे हैं, ठीक है। अब ये कोई पैथोजेनिक जो बैक्टीरिया हैं वो आ रहे हैं हमारी बॉडी में, और वो भी कहाँ आके रहेंगे? बैक्टीरिया हैं तो स्वाभाविक सी बात है, उनका भी काम कैसा होगा, एक ही जैसा होगा, रहना का तरीका भी एक जैसा होगा। तो वो भी यहाँ जो है बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये यहाँ पे पहले से रह रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, उनसे फाइट करेंगे, ये उन्हें उधर पे नहीं रहने देंगे, ठीक है। और ये इसको जो इस मैकेनिज्म को बोलते हैं, कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन बोलते हैं, मतलब कि इनवर्ट्स कॉलोनाइजेशन ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया इज नॉन एज कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन, मतलब कि उनकी कॉलोनाइजेशन जो है पैथोजेनिक के, उनको नहीं होने देता है, इसको कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन बोलते हैं। इसको बहुत अच्छे उसमें समझाती हूँ मैं। जैसे दो गली के कुत्ते हैं, दो गली के कुत्ते हैं, कुत्तों के झुंड हैं, जनरली हमने देखा है अपने आसपास। तो एक गली में है, वो उस गली वालों के लिए बहुत अच्छे हैं, मतलब गली के लोगों के लिए भी बहुत अच्छे हैं, वहाँ पे उनको खाना पीना मिल रहा है, उनके लिए बहुत वफादार हैं, ठीक है। बाई चांस कभी दूसरा कुत्ता आ रहा है दूसरी गली से, तो वो जो कुत्ते होते हैं वो उनको आने नहीं देते हैं अपनी गली में, और उनको मार आर के जो भी है भगा देते हैं, वहाँ पे उसको अपना घर नहीं बसाने देते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उस एरिया में उनका हक है, उन्हें वहाँ खाना पीना मिल रहा है, वहाँ उन्हें बहुत इज्जत मिल रही है, ठीक है। तो ऐसे ही है, ये जो अच्छे बैक्टीरिया हमारे लिए अच्छे हैं, हमारी बॉडी के लिए, यहाँ पे इनको प्रॉपर खाना पीना मिल रहा है, तो वो वहाँ पे बने हुए हैं। अब जो कोई भी बैक्टीरिया है, जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया, वो वहाँ पे उनको नहीं बनने देगा, उनको वहाँ पे अपना घर नहीं बनाने देगा, ठीक है। एक ये होगा। अब ये क्यों भी कैसे नहीं बनाने देगा, अब एक ये तरीका भी हो सकता है कि ये क्या करेगा, कुछ जो एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड्स होते हैं ये प्रोड्यूस करके। एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड्स मतलब कि दूसरे जो माइक्रोब्स हैं, उन कंपाउंड्स जो ये भी है प्रोड्यूस करेंगे, उन कंपाउंड्स की वजह से वहाँ पे वो ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। अब कौन कौन से कंपाउंड हैं? एक तो है H2O2, एक तो है बैक्टीरियोसिंस होते हैं, और फैटी एसिड और डाइएसिटाइल, इन कंपाउंड्स को प्रोड्यूस करेंगे, जिसके कारण जो ये कंपाउंड्स होते हैं वो एंटी माइक्रोबियल होते हैं, तो दूसरे जो माइक्रोब्स होते हैं उनके ग्रोथ यहाँ पे नहीं हो पाती है। अब इसके बाद ये जो है, ये इम्यूनिटी को इन्हेंस करता है और इन्फेक्शंस के प्रति रेजिस्टेंस को बढ़ाता है, इन्फेक्शन जो भी इलनेस होती हैं, और कैंसर्स के प्रति भी ये हमारी इम्यूनिटी को या फिर कैंसर्स को नहीं होने देता है। और ये क्या करता है, ये कैल्शियम फॉस्फोरस एंड आयरन या फिर यू कहे जो मिनरल्स होते हैं, इनके यूटिलाइजेशन को बढ़ावा देता है और इनके एब्जॉर्प्शन को भी बढ़ावा देते हैं। कौन देते हैं? ये लैक्टोबैसिलस। अब इसके बाद है जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं, ये कैसे है, ये हेल्पफुल होते हैं, ये किन में? एथेरोस्क्लेरोटिक जो हार्ट डिसीज़ होती है, जो एथेरोस्क्लेरोसिस जो डिसीज़ होती है आर्टरी की,
इनमें भी हेल्पफुल होते हैं। कैसे हेल्पफुल होते हैं, ये कोलेस्ट्रॉल को, ये सीरम कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, जिससे कि क्या होता है, ये जो डिसीज होने के चांसेस रहते हैं उसको ये कम करता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हम देखते हैं लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, ये इसकी एक स्पीसीज़ होती है। स्पीसीज़ में ये क्या होती है, ये बहुत ही पॉपुलर स्पीसीज़ है लैक्टोबैसिलस की, है ना, और इसके नाम से ही क्लियर होता है कि ये एक एसिड लवर बैक्टीरिया है, ठीक है। और ये जो है हमारे जनरली माउथ में और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में रहता है। और ये जो बैक्टीरिया होता है ये हमारी बॉडी का क्या करता है, इनकरेज द फॉर्मेशन ऑफ विटामिन के, ये विटामिन के फॉर्मेशन को इनकरेज करता है, और लैक्टेज लैक्टेज जो एंजाइम होता है उसको, साथ ही साथ अमाइलेज, इन विटामिन के लैक्टेज और अमाइलेज जो भी हैं इनको, इनके फॉर्मेशन को इनकरेज करता है, जो कि क्या करते हैं स्टार्चेस या फिर शुगर जो होता है उनका ब्रेक डाउन करता है। ये लैक्टो जो एंजाइम है लैक्टेज, है ना, इसको प्रोड्यूस कर रहा है, तो जो लैक्टोज रहेगा, लैक्टोज जो शुगर, जो मिल्क शुगर होती है उसको किस में, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करेगा। अब यहाँ पे क्या है, ये अधिकतर ये जो योगर्ट में पाए जाते हैं जनरली, जो हमारे लिए सबसे अच्छा सोर्स है या फिर ईजी जो हम पहुँच सकते हैं जिस तक, तो वो है योगर्ट, तो आप योगर्ट डेली खाइए। अब इसके अलावा भी फर्मेंटेड सोय प्रोडक्ट है जिसका एक नाम है जैसे मीसो, इसमें भी ये पाया जाता है। अब इसमें थोड़ा सा डाउट है, कहीं कहीं ये भी आता है, ये विटामिन के को प्रोड्यूस करता है और बी को भी प्रोड्यूस करता है, तो आई थिंक ये दोनों को प्रोड्यूस करता है, एक बार आप ज़रूर इसको क्लियर कर लीजिएगा। तो ये क्या है, ये बी विटामिन को प्रोड्यूस करता है, लैक्टेज एंजाइम हमने पढ़ा कि वो प्रोड्यूस करता है, जो लैक्टेज एंजाइम फिर ये प्रोड्यूस करता है, ये लैक्टेज क्या करेगा, ये किसके लिए फिर बेनिफिट रहेगा, ये लैक्टेज एंजाइम को प्रोड्यूस कर रहा है। फिर जो लैक्टोज इंटॉलरेंट जो डिसीज़ होती है, मतलब जिसमें लोगों के बॉडी में लैक्टेज एंजाइम नहीं होता जिस लैक्टोज शुगर को या डाइजेस्ट कर पाए, तो उसके कारण उनको ब्लॉटिंग या फिर बहुत सारे सिम्टम्स दिखाई देने पड़ते हैं। लेकिन इसमें क्या हो रहा, जो प्रोबायोटिक है, प्रोबायोटिक में कौन सा, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, ये लैक्टेज एंजाइम को प्रोड्यूस कर रहा है, तो जो ये एंजाइम है फिर इससे क्या होगा कि जो लैक्टेज इंटॉलरेंट जो पेशेंट हैं उनको भी ठीक करने में ये हेल्प करते हैं, ठीक है। और इट प्रोड्यूसेस एंजाइम्स विच हेल्प टू डाइजेस्ट फूड, करेक्ट डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स एंड रिड्यूस ब्लॉटिंग। इसके बाद हम देखते हैं, अभी आ गया बाइफिडो बैक्टीरियम। हमने पढ़ा था दो मेन प्रोबायोटिक्स हैं, तो एक दूसरा नंबर का ये है बाइफिडो बैक्टीरियम। तो जो बाइफिडो बैक्टीरियम है ये दूसरा जीनस है जो एनारोबिक है, प्लस ये भी ग्राम पॉजिटिव है। और ये क्या करता है, ये जनरली माउथ में, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में और वजाइना में ये रहता है। और इसके जो पॉसिबली जो हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं वो ये होते हैं, जैसे कि ये हार्मफुल बैक्टीरिया को हमारे गट में एक्युमुलेट नहीं होने देता है, उनको रहने नहीं देता है, उनको इकट्ठा नहीं होने देता है। और ये विटामिन्स के प्रोडक्शन करता है, और ये डाइट्री जो कंपाउंड्स होते हैं उनको बहुत सारे उसमें बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करता है ये। और ये इम्यून जो रिस्पॉन्सेस होते हैं उनमें मॉड्यूलेशन ऑफ इम्यून रिस्पॉन्सेस ये करता है, और रिड्यूसिंग द इंसिडेंस ऑफ डायरिया, जो डायरिया के जो इंसिडेंसेस होते हैं उनको कम करता है, प्लस ये डाइजेशन में भी हेल्पफुल होता है। अब ये उसी की स्पीसीज है बी फॉर बाइफिडो बैक्टीरियम का, बाइफिडम, ठीक है। तो जो बाइफिडम जो होता है ये बहुत सारी बीमारियों को ठीक करने में मतलब हेल्पफुल होता है, बहुत सारी स्टडीज़ की गई हैं। ये सब जो हम पढ़ रहे हैं ये कहीं ना कहीं स्टडीज़ हुई हैं, इन पे रिसर्च की गई है, फिर ये हमारे सामने आते हैं कि ये इसमें हेल्पफुल होते हैं, ये इसमें हेल्पफुल होते हैं। तो बाइफिडम के बारे में हम पढ़ते हैं कि ये जो है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, एच पाइलोरी जिसको बोलते हैं, वायरस होता है जिसके कारण जो है पेप्टिक अल्सर होता है, पेप्टिक अल्सर को का जो इन्फेक्शन होता है, तो ये इसको ठीक करने में ये हेल्पफुल होता है। साथ ही साथ इरिटेबल जो वॉल सिंड्रोम होता है, IBS जिसको बोलते हैं, इनको ठीक करने में हेल्पफुल होता है। और
रिस्टोरेशन ऑफ इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया आफ्टर कीमोथेरेपी, मतलब जो कीमोथेरेपी होती है कैंसर्स में, तो उसके बाद हमारे जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं वो कम हो जाते हैं, लेकिन उसको वापस रीस्टोर करने का काम कौन करता है? वी बायफिडम करता है, ठीक है। और ये कॉन्स्टिपेशन में भी हेल्पफुल होते हैं, लंग इन्फेक्शंस में भी, और अल्सरेटिव कोलाइटिस में, और कुछ टाइप के जो डायरिया होते हैं उनको ट्रीट करने में भी बायफिडम जो होते हैं ये हेल्पफुल होते हैं। और नेक्रोटाइजिंग जो एंटेरोकोलाइटिस होता है, और ये क्या होता है, ये टाइप ऑफ इन्फेक्शन होता है इन द इंटेस्टाइनल लाइनिंग कॉज बाय हार्मफुल बैक्टीरिया। जो हार्मफुल बैक्टीरिया जो होते हैं उनके कारण हमारी इंटेस्टाइनल जो लाइनिंग में एक जो इन्फेक्शन होता है वो होता है नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस। तो इसको भी ठीक करने में ये हेल्पफुल होते हैं। तो बायफिडम हमारे लिए कैसे, कौन कौन सी डिसीजेज में ये हेल्पफुल है, तो ये डिसीजेज में ये हेल्पफुल है। अब इसके बाद में जो थर्ड हमने पढ़ा था ईस्ट, तो ये उसके बारे में है, सैकेरोमाइसिस वलार्डी, ये ईस्ट है। ये क्या होता है, एक ट्रॉपिकल स्ट्रेन होता है ईस्ट का, और इसको सबसे पहले जो है 1923 में आइसोलेट किया गया था फ्रेंच साइंटिस्ट के द्वारा, और इनको निम्न डिसऑर्डर में यूज़ किया जाता है इनको ठीक करने के लिए, जैसे एक्यूट एंटीबायोटिक एसोसिएटेड और HIV एसोसिएटेड एंड ट्रेवलर्स डायरिया। मतलब कौन कौन से डायरिया, एक्यूट डायरिया को, और एंटीबायोटिक डायरिया मतलब कि जब हम बीमार होते हैं उसके लिए एंटीबायोटिक्स लेते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो हमारे अच्छे बैक्टीरिया होते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं। फिर जब हम यदि इसको लेते हैं तो ये उससे होने वाले डायरिया जो होता है, जब ये एंटीबायोटिक्स के कारण होता है, तो उसको ठीक करने में ये हेल्पफुल होता है। और ये क्या है, HIV एसोसिएटेड जो डायरिया होता है उसको भी ठीक करता है, प्लस ट्रैवलर्स मतलब कि आने जाने में जब ट्रैवलिंग करते हैं तो उसके कारण कई लोगों को प्रॉब्लम होती है, तो ऐसे डायरिया को भी ये ट्रीट करता है। अब इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता है तो उसमें भी ये हेल्पफुल होता है। इन्फ्लामेटरी जो बाउल डिसीजेस होती हैं उनमें भी हेल्पफुल होता है। और जो रिकरेंट क्लॉस्ट्रीडियम डेफिसिल जो इन्फेक्शंस होते हैं उनको भी ठीक करने में, उनको भी ट्रीट करने में जो है सैकेरोमाइसिस वलार्डी जो ईस्ट है, जो प्रोबायोटिक है, ये हेल्पफुल होता है। हमने अभी तक पर्टिकुलर पढ़ा कि कौन सा जो प्रोबायोटिक है वो क्या क्या कर रहा है, किस उसमें हेल्पफुल होता है, कौन से डिसऑर्डर्स में या कौन सी डिसीजेस में, और हमारी बॉडी के लिए कैसे सही है। तो जनरली हम सबके सोर्स देख रहे हैं कि सोर्सेस ऑफ प्रोबायोटिक्स, तो ये जनरली योगर्ट में जो दही है वो उसमें मिलता है, जो फर्मेंटेड चीज़ होते हैं जैसे गौडा है या फिर सेडर चीज़ है, स्विस चीज़ है और परमेशन चीज़ है, ये चीज़ अलग अलग जगह पे अलग अलग मिलते हैं। तो ये सोर्सेस होते हैं ये प्रोबायोटिक्स के। और जो फर्मेंटेड जो वेजिटेबल प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि मीसो हो गया और सॉरक्रॉट हो गया या फिर पिकल्स हो गए, ये जो हैं ये प्रोबायोटिक्स के सोर्सेस हैं। इसके बाद हम देखते हैं ये बेनिफिट्स ऑफ प्रोबायोटिक। अभी तक हमने जनरल देखा कि कौन सा बैक्टीरिया क्या कर रहा है। यदि हमसे जनरल पूछे कि प्रोबायोटिक, यदि क्वेश्चन आता है कि प्रोबायोटिक किस उसमें हेल्पफुल है हमारे लिए या फिर हेल्थ बेनिफिट क्या है इससे, तो एक जनरल हम देख लेते हैं जो मेजर हेल्थ बेनिफिट्स हैं प्रोबायोटिक्स के अंदर क्या क्या हैं, कि इम्प्रूवमेंट ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल माइक्रोफ्लोरा, ये जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल के जो माइक्रोफ्लोरा होते हैं उनमें इम्प्रूवमेंट करते हैं, और एनहेंसमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम, रिडक्शन ऑफ सीरम कोलेस्ट्रॉल, कैंसर प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट ऑफ इरिटेबल बाउल एसोसिएटेड डायरियाज, और एंटी हाइपरटेंसिव जो इफेक्ट एज वेल एज, इसके अलावा इम्प्रूवमेंट ऑफ लैक्टोज मेटाबॉलिज्म। तो ये अभी हमने अंदर सब डिटेल में इनको पढ़ा हुआ है, तो ये इन जनरल ये प्रोबायोटिक्स के ये बेनिफिट्स होते हैं। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं प्रीबायोटिक्स के बारे में। तो जो प्रीबायोटिक्स होते हैं, ये अभी हमने देखा प्रोबायोटिक होते हैं वो लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जीवित माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो जो उनको उनका एनर्जी का सोर्स या फिर हम बोले कि खाना क्या होते हैं, वो प्रीबायोटिक्स होते हैं। जो भी प्रीबायोटिक्स होते हैं ये प्रोबायोटिक का खाना है। प्लस ये अभी है क्या, तो ये नॉन डाइजेस्टिबल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो
प्रोबायोटिक का खाने का काम करता है गट में। अब ये क्या होते हैं, ये हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होते हैं, तो ये क्या होगा, हमने उनको खाया, डाइजेस्ट नहीं हुआ, ये लोअर हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें गया और वहाँ पे ये क्या होते हैं, जो हमारे गुड बैक्टीरिया और हेल्थ जो बेनिफिशियल जो बैक्टीरिया होते हैं, फिर जो प्रोबायोटिक्स होते हैं उनके द्वारा उनको कंज्यूम कर लिया जाता है। अब ये क्या होते हैं, जो प्लांट फाइबर होते हैं ये हमारे लोअर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में गए जैसे कि अभी मैंने बताया, और वहाँ पे प्रोबायोटिक का फूड का काम कर रहे हैं। अब जो ये सभी बैक्टीरिया जो होते हैं, जो सभी फाइबर है, सॉरी सभी फाइबर जो होते हैं वो प्रीबायोटिक्स नहीं होते हैं, कुछ ही जो फाइबर्स हैं वो प्रीबायोटिक्स होते हैं, जैसे उसमें आता है इन्यूलिन, फ्रक्टो ऑलिगोसैकेराइड्स जिसको FAOS बोलते हैं, एंड गैलेक्टो ऑलिगोसैकेराइड्स जिसे GOS भी कहा जाता है, जिसके बारे में और देखते हैं। यही डिटेल है कि ये जो अधिकतर जो प्रीबायोटिक्स होते हैं ये जो अभी तक आइडेंटिफाई किए गए हैं वो ऑलिगोसैकेराइड्स हैं, और ये रेजिस्टेंट होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स के प्रति, मतलब कि जो हमारा बॉडी, हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारी बॉडी में ऐसे एंजाइम्स नहीं हैं जो इन कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट कर पाए। कौन से कार्बोहाइड्रेट, जो ये रेजिस्टेंट जो कार्बोहाइड्रेट है इनको डाइजेस्ट कर पाए। फिर ये क्या होता है, ये हमारी बॉडी में अपर GI सिस्टम से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो सिस्टम है उससे पास होते हुए ये लोअर पार्ट में जाते हैं, जहाँ पर ये फर्मेंट होते हैं, फर्मेंट होकर ये क्या बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं शॉर्ट चेन फैटी एसिड प्रोड्यूस करते हैं, और ये बेनिफिशियल जो माइक्रोबायोटा है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमारे फ्रेंड बैक्टीरिया हैं उनको नरिश करता है और नरिश करते हैं। अब इसके बाद है प्रीबायोटिक्स फूड। अब प्रीबायोटिक्स के सोर्सेस क्या हैं, कौन कौन से फूड्स होते हैं जो प्रीबायोटिक्स होते हैं, ठीक है, तो ये हम नॉर्मल हम बात करें तो कौन कौन से होते हैं, ये जनरल हम देखें तो एप्पल्स हैं, और जो हमारे जनरल खाने में आते हैं जैसे बनाना हो गया, बार्ले है, और बेरीज हो गया, फ्लैक्स सीड हो गए, और गार्लिक है, ग्रीन वेजिटेबल्स जितनी हैं वो उसमें आ जाएंगे, कुछ कुछ लेग्यूम्स हैं, पीज एंड बीन्स, ओट्स है, अनियन है, और टमेटोज़ है, सोयाबीन और वीट जो जनरल हम खाने में खाते हैं उनमें कहीं ना कहीं जो होता है प्रीबायोटिक वाला पार्ट भी उसमें रहता है। और साथ ही साथ ये कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं लेकिन उनको फोर्टिफाइड किया गया है, कैसे फोर्टिफाइड किया गया है, प्रीबायोटिक्स से, ठीक है, तो जैसे ये बेबी फार्मूला हो सकता है, ब्रेड हो सकते हैं, सीरियल, कुकीज़ और योगर्ट ये सब हो सकते हैं, और इसके अलावा भी जो मार्केट में मिलते हैं वो इन्हीं के नाम से ही मिलते हैं, जैसे गैलेक्टो ऑलिगोसैकेराइड्स के नाम से मिलते हैं, फ्रक्टो ऑलिगोसैकेराइड के नाम से, ऑलिगो फ्रक्टोज के नाम पे, और सिकोरी फाइबर या फिर इन्यूलिन के नाम से मिलते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक था प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक, तो जो प्रोबायोटिक है वो लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छे हैं, और जो प्रीबायोटिक है ये उनका खाना है, एक तरह से बोले कि एनर्जी का सोर्स है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि ये किस तरीके से हमारे लिए बेनिफिशियल हैं, और हमें इनको कंज्यूम करना चाहिए, और वो भी डेली इन्हें हमें कंज्यूम करना चाहिए, जिससे हमारे जो बॉडी में हार्मफुल बैक्टीरिया और गुड बैक्टीरिया का जो बैलेंस है वो बैलेंस बना रहे, बैलेंस बिगड़े नहीं, इसलिए हम इन्हें डेली कंज्यूम करते हैं और हमें डेली इसको कंज्यूम करना चाहिए। तो प्लीज़ यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और यदि कोई सजेशन है कि मैं कैसे इसको इम्प्रूव कर सकती हूँ अपने चैनल्स में जो मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं, या फिर पढ़ाने के तरीके को, या फिर जो भी सजेशंस हो तो उनको ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच।